हरे कृष्णा, हम बात कर रहे हैं श्री श्री श्यामानंद प्रभु जी के बारे में। ये फोर्थ पार्ट है, इससे पहले तीन पार्ट हो चुके हैं और जो वो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं नीचे फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जल्दी से 10 सेकंड में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सुना है, कहाँ तक चर्चा करी है और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे श्यामानंद जी का जो जन्म होता है उनका बचपन का नाम दुखी होता है, अपने गुरु से हृदय चैतन्य जी से जाकर मिलते हैं, वहाँ से उनको दीक्षा मिलती है, नाम कृष्णदास हो जाता है। वहाँ पे जो पुष्प वाटिका की लीला है हमने वो देखी, फिर कैसे उनके गुरु ने जीवा गोस्वामी के पास भेज देते हैं, जीवा गोस्वामी के सानिध्य में रह के वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर नुपुर प्राप्ति लीला आती है जहाँ पे राधा रानी जी उनको दर्शन देती हैं, और खाली दर्शन ही नहीं देती, पूरी कृपा देती हैं, नाम बदल देती हैं, कृष्णदास से नाम हो जाता है श्यामानंद, तिलक बदल जाता है। तो इसी बदले हुए नाम और तिलक के कारण उनके गुरु हृदय चैतन्य के साथ जो है कुछ गलतफहमी हो जाती है। हृदय चैतन्य वृंदावन आते हैं, महासभा बैठती है, सबके सामने सब लोग देखते हैं कि श्यामानंद के ऊपर किस तरह से राधा रानी की कृपा है, और फिर हम देखते हैं कि कैसे भाव को लेकर गलतफहमी हो जाती है। कृष्ण हृदय चैतन्य जी जो थे वो सखा भाव में थे, वो जो श्यामानंद जी थे वो माधुर्य भाव में थे, तो वो सब हमने वहाँ पे देखा। और फिर हमने देखा कि कैसे राधा रानी और श्याम सुंदर जी का बहुत भव्य विवाह होता है। जो श्याम सुंदर हैं उनका विग्रह राधा रानी जी ने ही श्यामानंद प्रभु को अपने हृदय से प्रकट कर दिया था, यहाँ तक हमने देखा। अब इसके आगे जो है हम देखते हैं कि श्यामानंद प्रभु का कैसे प्रचार कार्य जो है वो प्रारंभ होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। महाप्रभु के जो प्रमुख शिष्य थे सिक्स गोस्वामीज, वो वृंदावन में थे। महाप्रभु जी ने आदेश दिया था कि आप वृंदावन में रहिए, भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य लीला स्थली हैं आप उनकी खोज कीजिए, और जो भक्ति के ग्रंथ हैं उनका संकलन कीजिए, उनकी रचना कीजिए। तो हम जानते हैं कि हमारे सिक्स गोस्वामीज ने खूब अच्छे से ग्रंथ लिखे, खासकर जो जीवा गोस्वामी हैं उन्होंने तो बहुत ही 4 लाख से ज़्यादा उन्होंने श्लोक लिखे हैं, ठीक है। तो ग्रंथ लिख लिए, अब इन ग्रंथों का प्रचार करना है, ठीक है। तो प्रचार करने के लिए, जैसे हमने पिछले भाग में भी चर्चा की थी इस विषय के ऊपर, कि जीवा गोस्वामी के नीचे तीन शिष्य थे, मतलब कई सारे शिष्य थे, उनमें तीन शिष्य प्रमुख थे, श्रीनिवासाचार्य जी, नरोत्तम दास ठाकुर जी और श्यामानंद प्रभु जी। तो इन तीनों के ऊपर विशेष रूप से जो प्रचार का भार था वो इन तीनों के ऊपर था। तो जो ग्रंथ लिखे गए थे उनकी मल्टीपल कॉपीज, उनकी कई सारी प्रतियां बनाई गई और बैलगाड़ी में डालकर उनको बंगाल के लिए भेजा गया कि बंगाल में जाकर इन जो ग्रंथ हैं इनको लोगों को बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वहाँ पर प्रचार कार्य करेंगे। तो इसके लिए जो है इन तीनों को, नरोत्तम दास जी को, श्रीनिवासाचार्य जी को और श्यामानंद प्रभु जी को, ये तीनों को बैलगाड़ी के साथ भेजा गया कि आप इन किताबों को लेकर जाइए और वहाँ पे जो है धुआंधार चारों तरफ प्रचार कीजिए। अच्छा, जब ये जा रहे थे प्रचार करने के लिए, तो रास्ते में वन विष्णुपुर नामक एक जगह पड़ती है, वहाँ पे वीर हम्बीर नामक एक राजा था, छोटा मतलब जमींदार टाइप से था। तो उसके पास एक ज्योतिष था, ठीक है, और ज्योतिष जो है वो राजा को पहले ही बताता था क्या होने वाला है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। तो ज्योतिष ने राजा को बोला कि ऐसा लगता है कि कोई तीन साधु जो हैं वो हमारे देश से, हमारे प्रदेश से निकल रहे हैं और उनके पास कोई बहुत बड़ा खजाना है। अब खजाना क्या है इस चीज़ का उनको नहीं बताया उसने, उसने लगा कि बहुत कोई कीमती चीज़ है। अब जिसका जैसी बुद्धि जैसा दिमाग उसको वैसी चीज़ें सुनाई दिखाई देती हैं। तो राजा को लगा कि अच्छा बहुत बड़ा खजाना, इसका मतलब सोने की अशर्फियाँ होंगी, कुछ सोना चांदी का कुछ होगा। तो उसका दिमाग उस तरीके से चला, तो राजा ने बोला कि इसको जो है चोरी कर लेते हैं। और राजा ने अपने सिपाहियों के, अपने आदमियों के जरिए उस बैलगाड़ी को चोरी करवा लिया। अब आप सोचिए कि ये तीनों जो हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य, अपने श्यामानंद प्रभु, एकदम खड़े देखते रह गए कि हमारी बैलगाड़ी कहाँ गई, सारी किताबें कहाँ गई, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आप समझिए, हल्की बात नहीं है। आज के समय में हम शायद इस बात को समझ ना पाएं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में जाना चाहता हूँ ताकि हम समझें कि एक्चुअली में कितना बड़ा इंसिडेंट है ये। पहले जो किताबें लिखी जाती थी वो आज की तरह नहीं, आज तो हम कैसे करते हैं, लैपटॉप पर बैठ के आराम से टाइप कर रहे हैं, कुछ गलत हो गया, कुछ सही हो गया, ग्रामर चेक कर ली। आजकल तो चैट जीपीटी आ गए, उसको कुछ करने नहीं, आप चैट जीपीटी को बस बता दो कि आप लिखना क्या चाहते हो, आपका कंसेप्ट क्या, खुद ही आपको लिख के पूरा दे देगा। हाँ, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर कुछ भी लिखना है तो सबसे पहले तो कागज़ बनाया जाता था। कागज़ बनाना अपने आप में बड़ा भारी काम है, बहुत मेहनत का काम है, एक एक कागज़ को जो है हाथों से बनाना पड़ता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखना भी आसान काम नहीं है। आप समझिए कि एक कागज़ पे, एक जो कागज़ बना, मान लो आपने उसके ऊपर 15-20 श्लोक लिख दिए, अब 15-20 श्लोक उसके पीछे लिखेंगे, क्योंकि कागज़ को बिगाड़ तो कर नहीं सकते, कागज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से एक कागज़ बनता है। पीछे कब लिखेंगे, जब आगे वाला सूख जाएगा। अच्छा, वेट नहीं कर सकते, इतना टाइम ही नहीं है वेट करने का, इतना इंतजार कर ही नहीं सकते, इतने सारे श्लोक लिखने हैं। तो आप सोचिए, जीवा गोस्वामी की जो बुद्धि थी, जो उनकी
पंडिताई थी वो किस स्तर की थी, आप अंदाजा लगाइए कि वो 15-20 श्लोक एक जगह लिख देते थे। मान लो 20 श्लोक लिख दिए, अब 20 इसके पीछे लिखने हैं और 41 से नेक्स्ट में लिखने हैं, तो पीछे लिख नहीं सकते तो आगे से लिखना शुरू करते थे। इस तरह से फिर तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे, 8-10 लिख दिए। जब 10 पत्तों पे लिख दिए तब ये पहले वाला सूख गया, तो वापिस आके जो पहले 20 बोले थे उससे 21 से 40 तक के जो श्लोक उनके दिमाग में थे वो लिख रहे हैं। आप जिस अंदाजे लगाइए कि दिमाग कैसा होगा। और ये कुछ श्लोक ऐसे नहीं है कि मतलब कहीं से रट्टा मार रखा है कुछ, वो उन श्लोकों की रचना कर रहे हैं, वो श्लोक दिमाग में है। आप समझिए कि क्या स्मरण शक्ति होगी, क्या दिमागी रूप से क्या मतलब विद्वत्ता होगी कि वो जितना लिख रहे हैं उतना उनके दिमाग में है कि बाद में लिखना है। और इस तरह से 10 पेज, सेकंड के पीछे क्या लिखना है, थर्ड के पीछे क्या लिखना है, और 10 पेज हो गए फिर वापस आके उसके पीछे लिख रहे हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि क्या जीव गोस्वामी की क्या बुद्धि, मतलब क्या बुद्धि उनकी रही होगी। अच्छा, ये सब करने के बाद भी ये आपकी एक कॉपी बनी है। अगर आपको दूसरी कॉपी करनी है तो आज की तरह नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस में डाला और दर दर किताबें निकल गई। आपको दूसरी कॉपी बनानी है तो इसको देख देख के दोबारा से जो है उसको लिखना पड़ेगा। और लिख भी ऐसा नहीं कि कोई भी लिख सकता है, उसके लिए भी एक विशेष मतलब लोग होते थे, उनकी क्वालिफिकेशन होती थी, जो ग्रंथों को कॉपी करते थे, उनको ये एक्सपर्टीज होती थी, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि एग्जैक्टली कैसे बिल्कुल शब्द ब शब्द कॉपी करना है, कुछ गलती नहीं करनी है। पहले जो ग्रंथ है इसी तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हुआ करते थे। तो इस तरीके से मतलब इतना मुश्किल काम, आप सोचिए कि एक ग्रंथ की रचना करी, उसके बाद उस ग्रंथ की एक एक करके कॉपी बनाई गई। इस तरीके से इतनी कॉपी बनाई गई कि खूब बड़ी बैलगाड़ियां भर गई, और आप सोचिए कितना मेहनत किया, और वो एक सेकंड में सब गायब हो गई। ठीक है, आप जस्ट अंदाजा लगाइए कि इन तीनों के ऊपर क्या बीती होगी, कि हम अपने गुरु को क्या जाके बोलेंगे, उनको क्या मुंह दिखाएंगे। जीवा गोस्वामी जो इतने सालों मतलब 20 साल की जो उनकी मेहनत है वो एक सेकंड में एक रात में गायब हो गई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग बोलेंगे, दुखदाई बोलेंगे, सुखदाई बोलेंगे, क्योंकि बाद में तो खैर सुखदाई बन जाता है, बट एनीवे जो भी है, मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि अचानक से जो वहाँ पे बैलगाड़ी है वो गायब हो जाती है। तो जो श्रीनिवास आचार्य हैं वो वहीं पे रुकते हैं कि इस बैलगाड़ी को ढूंढना है, इन किताबों को ढूंढना है। लेकिन जो श्यामानंद प्रभु हैं और जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो आगे जो है खेतुरी के लिए, बंगाल के लिए आगे निकल जाते हैं वहाँ पे प्रचार कार्य के लिए। अच्छा, श्रीनिवास जो है फिर यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे वो राजा जो है इनको अपने दरबार में बुलाता है, कैसे उनको बाद में बैलगाड़ी देता है और भी कहीं उपहार देता है, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे जब हम श्रीनिवास आचार्य जी के चरित्र के ऊपर चर्चा करेंगे, नहीं तो अभी बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। फिलहाल हम श्यामानंद प्रभु जी के साथ आगे बढ़ते हैं। श्यामानंद प्रभु जी जो हैं वो बंगाल पहुँच चुके हैं। बंगाल पहुँचकर श्यामानंद प्रभु सबसे पहले कालना अंबिका जाते हैं अपने श्री गुरु हृदय चैतन्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए। कुछ दिन वहीं रुकते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद वो धारंदा जाते हैं अपने जन्म स्थान, अपने घर, अपने माता पिता जी के दर्शन करने के लिए। बहुत सालों बाद पहुँचे थे क्योंकि इतना समय पहले निकल गए थे, लेकिन वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि उनके माता पिताजी जो हैं वो गोलोक सिधार गए हैं। बहुत दुख होता है, कई दिन वहीं रुकते हैं, जो भी रिचुअल्स वगैरह हैं वो वहाँ पे पूरे करते हैं। अच्छा, शुरू में हमने देखा था कि जो श्यामानंद प्रभु हैं वो बहुत धनी परिवार से थे, बहुत इनके घर परिवार बहुत बड़ा था, बहुत जायदाद थी, बहुत ज़मीनें थी, काफ़ी बड़ा बिजनेस फैमिली से थे। तो प्रचार कार्य करना ही था, तो इतना बड़ा घर तो माता पिताजी भी नहीं रहे, तो इन्होंने अपने घर को ही प्रचार केंद्र बना दिया और वहीं से सबसे पहले प्रचार का कार्य आरंभ किया। लेकिन जो उनके आसपास के गांव के लोग थे उनको ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जो श्यामानंद प्रभु हैं वो ब्राह्मण परिवार से नहीं थे, तो जो ब्राह्मण नहीं है वो दूसरों को कैसे शिक्षा दे रहा है, वो दूसरों को कैसे दीक्षा दे रहा है, तो ये उनसे सहन नहीं हो रहा था। तो शुरू में बहुत कठिनाई आई, लोगों ने बहुत विरोध किया, उनके ऊपर जो है अपशब्द बोले उनके लिए, अलग अलग तरीके से गाँव वालों ने मिलकर जो है वहाँ पर उनका विरोध किया। लेकिन उनकी श्यामानंद प्रभु की इतनी दीनता, इतनी विनम्रता, इतनी सभ्यता, कोमलपन देख के, सबके प्रति प्रेम भाव देख के धीरे धीरे सब लोग जो है पिघल गए, सब लोगों का मन शांत हो गया, सब लोगों ने उनका आदर करना शुरू कर दिया। और इतने नहीं, जब शाम को वो कथा करते थे तो आसपास के गांव के नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोगों तक ने वहाँ पे आना शुरू कर दिया। तो जो उनकी शाम को कथा चला करती थी वहाँ पे हजारों हजारों लोगों की जो है भीड़ जो है जुटनी शुरू हो गई। और देखते ही देखते जिस काम के लिए जीवा गोस्वामी ने उनको भेजा था उस काम का श्रीगणेश हो गया, शुभारंभ जो है वहाँ पे हो गया। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार हम लोगों को अपने तर्क से, अलग अलग फिलॉसफी से, सिद्धांत से उनको हराने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है, क्यों सही है। कई बार हम देखते हैं कि अगर परिस्थितियाँ विपरीत हैं, अगर हमारे विपक्ष में कोई है, अगर किसी के साथ बहस हो रही है, तो कई बार हम बहुत तर्क के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, सिद्धांत के साथ जो है उनको हराने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और शायद हरा भी दे। लेकिन बात यह है कि क्या हमें लोगों को हराना है या हमें लोगों को जीतना है। बड़ा अच्छा कोट है ये, इट इज़ ईजी टू डिफीट पीपल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू विन पीपल। किसी को हरा देना तो बहुत आसान है, किसी को जीतना मुश्किल है।
बिल्कुल ये बात है, आप अपने तर्क से, अपने सिद्धांत से, बड़ी बड़ी बातें करके, शास्त्रों के इधर उधर रेफरेंस देके, हो सकता है आप सामने वाले को चुप करा दें, हो सकता है वो बेचारा आपके सामने कुछ बोल ना पाए, आपकी बुद्धि के आगे, आपके तर्क के आगे, आपके ज्ञान के आगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मन से आपको अपना लिया है। किसी को जीतना मुश्किल है, उसको अपना बनाना मुश्किल है। हमारे जितने आचार्य हैं, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से उन्होंने हमको ये दिखा है कि कैसे लोगों को हराना नहीं है, लोगों को जीतना है। अच्छा, देखते ही देखते प्रचार कार्य इतनी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी श्यामानंद प्रभु जो हैं वो किसी एक जगह तो नहीं रह सकते, उनको तो आगे भी अलग अलग जगह जाकर प्रचार करना था। तो वो अपने नीचे जो है लीडर तैयार करते हैं, कुछ लोगों को दीक्षा देते हैं, हाँ, उनको तैयार करते हैं कि वो उनकी अनुपस्थिति में भी जो है कथाएं कर सकें, बाकी लोगों को जोड़ सकें और इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ा सकें। तो कुछ दिन ट्रेनिंग देने के बाद जब उनको विश्वास हो जाता है कि यहाँ पे ये लोग जो है अच्छे से संभाल लेंगे, उसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं। अच्छा, जब श्यामानंद प्रभु जी ने वृंदावन छोड़ा था तो वो बहुत कठिन समय था। वृंदावन में जो रहते हैं, जो वृंदावन से प्रेम करते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि वृंदावन से बाहर निकलना कितना कठिन है। तभी कई साधु हैं वो तो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वृंदावन के अंदर ही रहेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि श्यामानंद प्रभु जी ने भी प्रचार कार्य के लिए वृंदावन छोड़ा। हमारे सभी आचार्यों ने प्रचार कार्य के लिए वृंदावन को छोड़ा है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार कार्य के लिए वृंदावन को छोड़ा है। प्रभुपाद जी जब दामोदर मंदिर में रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे कोई कष्ट नहीं था, अच्छा खासा एक बढ़िया कमरा उनको मिला हुआ है, प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ, इतनी उनकी उम्र हो गई है, लगभग 70 साल की, आराम से वह रहते, अपना भजन करते, अपना शास्त्र पढ़ते, क्या दिक्कत थी? इतने साधु संत करते थे वृंदावन में, हाँ, क्या जरूरत थी प्रभुपाद जी को वृंदावन से बाहर आने की? क्या जरूरत थी कि वहाँ दिल्ली की सड़कों पे जो है इतनी भरी दोपहरी में जो है हाथों में बैग उठाए जो है खाली पेट वहाँ पे घूम रहे हैं, एक से दूसरे प्रिंटिंग प्रेस में जा रहे हैं कि मैगजीन प्रिंट करनी है, किताबें प्रिंट करनी है, लोगों को बांटनी है, क्या जरूरत थी इन सब चीज़ों की? क्या जरूरत थी श्रील प्रभुपाद जी को विदेश आने की? यहाँ पे जब शुरू में प्रभुपाद जी आते हैं तो डेविड करके जिसके कमरे के साथ जिसमें रह रहे होते हैं, वो एक दिन जो है जो भी गांजा जो भी वो ड्रग्स लेता था वो ड्रग लेके प्रभुपाद जी के ऊपर हमला कर देता है। प्रभुपाद जी अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं, सड़क पे खड़े थे, शाम का समय था, अंधेरा होने वाला था, भयंकर ठंडी थी, कड़कड़ाती हुई सर्दी, कहीं जाने के लिए स्थान नहीं था प्रभुपाद जी के लिए। सोचिए आप, जस्ट इमेजिन कीजिए उस सीन को कि 70 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है विदेश में न्यूयॉर्क की सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है क्योंकि अभी भी उसके ऊपर किसी ने हमला किया है, उसके पास अपना सामान नहीं है, कहीं जाने की जगह नहीं है, सड़क के ऊपर खड़े होकर इधर उधर देख रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। जस्ट इमेजिन कि कैसा महसूस हुआ होगा, किसके लिए? वो भी तो आराम से वृंदावन में रहते, क्या दिक्कत थी? और मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से इस बात को यहाँ पे स्ट्रेस करके बोलना चाहता हूँ, कई बार लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि गुरु के अंदर जो एक दया का भाव, जो करुणा का भाव है, उसकी क्या अहमियत है। कई बार लोगों को लगता है कि अरे देखो ये कितना अच्छा बोलते हैं, अरे देखो क्या बात है, कि क्या स्टाइल है, कितना अच्छा बोलते, मतलब वो गुरु को इस चीज़ से आंकते हैं कि कोई कितना अच्छा बोलता है। कई बार वो इस चीज़ से भी आंकते हैं कि कौन सा गुरु कितना शुद्ध है, और होना भी चाहिए, गुरु का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, उच्च कोटि का गुरु होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि गुरु के अंदर सामने वाले के लिए दया भाव कितनी है, एक जीव आत्माएं जो इस दुनिया में भटक रही हैं उनके लिए कृपा कितनी है, हाँ, कितने उनको बचाने के लिए, उनको भगवान के पास ले जाने के लिए उस गुरु के अंदर कितनी तड़प है कि मुझे इन सबको किसी भी तरीके से बचाना है। ये जो तड़प थी, ये जो दूसरों को बचाने की जो इच्छा थी, जो लालसा थी, ये जो करुणा भाव था, जो दया भाव था, ये श्रील प्रभुपाद जी के अंदर था। क्योंकि जब उसके अंदर हमारे प्रति करुणा होगी, दया होगी, तभी तो वो हमको बचा पाएगा। हम अपनी शक्ति से कभी भी ऐसा भजन नहीं कर पाएंगे कि हम भगवत धाम वापिस जा सकें, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हम कर ही नहीं सकते ऐसा भजन कि हमारे भजन से प्रसन्न होकर भगवान को लगे कि क्या भजन करता है, और हम अपने आप को इतना शुद्ध कर ले भजन करके कि हम भगवत धाम वापिस चल जाए, ये संभव नहीं है। हमारा भगवान के पास जाने का केवल और केवल एक ही रास्ता है कि किन्हीं गुरु की, किन्हीं साधु की हमारे ऊपर कृपा हो, उनकी दया हो, और वो हमारे लिए भगवान से बोले, प्रार्थना करें, तो ये संभव है कि भगवान जो है हमारे ऊपर दया करके हमें अपने पास बुला लें। तो ये जो कृपा है, ये जो दया है, ये प्रभुपाद जी के अंदर थी। खैर जो भी है, तो अभी हम श्यामानंद प्रभु जी की कथा के ऊपर वापस आते हैं। जो श्यामानंद प्रभु जी थे वो बहुत समय से वृंदावन से बाहर थे, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले थे, इतने समय से वहाँ पे रहकर प्रचार कर रहे थे, वृंदावन के विरह में वो तड़प रहे थे, वो वापस वृंदावन जाना चाहते थे किसी भी तरीके से, एक बार वृंदावन के दर्शन करना चाहते थे। तो वहाँ से जब उनको लगा कि जो प्रचार कार्य यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हो गया है, सब चीज़ अपने आप यहाँ पे चल सकती हैं, तो वहाँ से वो एक बार वृंदावन के लिए निकलते हैं।
और जब वृंदावन से निकलते हैं, वृंदावन के उनके मन में जो विरह होता है, दोबारा वृंदावन के दर्शन करने की जो खुशी होती है, उत्कंठा होती है, उत्सुकता होती है, उसमें वो जंगल से जा रहे थे और जंगल से जाते जाते वहाँ पे वो जो नाचना शुरू कर देते हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि क्या दृश्य होगा कि घना जंगल है, हाँ, उसमें हमारे श्यामानंद प्रभु जिनका गौड़ वर्ण है, गौड़ वर्ण था उनका, राधा रानी से मिलने के बाद पूरा शरीर जो उनको सोने के जैसा हो गया था, पीले रंग का, हाँ, उसमें बड़ी बड़ी आँखें हैं, वहाँ से खूब तेज तेज आंसू निकल रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाए पागलों की तरह नाच रहे हैं, दोनों पैरों से पागलों की तरह भागे जा रहे हैं वृंदावन की तरफ। और उस जंगल में उस वक्त जितने भी पशु पक्षी थे, हाथी, शेर, चीता, पशु अलग अलग, कोयल, मोर है, भालू है, जितने भी पशु पक्षी थे वो सारे जो हैं श्यामानंद प्रभु के पीछे पीछे, वो भी नाचते हुए, वो भी हंसते हुए, गाते हुए, वो भी प्रभु जी के, श्यामानंद प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। अब सोचिए क्या दृश्य होगा। और इस तरीके से नाचते, गाते, रोते, विलखते, तड़पते जो हमारे श्यामानंद प्रभु हैं, वो वृंदावन पहुँचते हैं। वृंदावन पहुँचते ही सबसे पहले माटी को प्रणाम करते हैं, आंखें जो हैं आंसुओं से भरी हुई होती हैं, कितने सालों बाद जो हैं वृंदावन के द्वारा दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो श्यामानंद प्रभु जी हैं वो अपनी लीला कर रहे थे, और वहीं उत्कल में एक और बहुत बड़े ब्रज रसिक संत महावैष्णव महाभागवत का जो है जन्म होता है लगभग 1590 में। उनका नाम था रसिक मुरारी। बहुत ही दिव्य पावन चरित्र है उनका। कुछ समय पहले उनके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, उसका जो लिंक है वो फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। आपके पास समय है तो आप प्लीज़ एक बार उसको सुनिए, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। बहुत ज़बरदस्त महावैष्णव थे वो। तो जो रसिक मुरारी जी थे उनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे, और दर्शन दे के बोला था कि जो आपके गुरु हैं वो श्यामानंद प्रभु हैं, जो कि इस वक्त वृंदावन में विराजमान है। अच्छा, इधर भगवान श्री कृष्ण ने श्यामानंद प्रभु जी को भी अपने सपने में दर्शन दिया, जब वो अभी वो वृंदावन वापस लौटे, कुछ समय वृंदावन रहे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए सपने में और बोला कि आप उत्कल जाओ, वहाँ पे मेरे एक बहुत विशेष भक्त ने जो है वहाँ पे जन्म लिया है जिसका नाम है रसिक मुरारी, आपको उसे दीक्षा देनी है। अच्छा, अब वृंदावन छोड़ने के नाम पे श्यामानंद प्रभु जी की फिर से जान निकलने लगी कि भैया वृंदावन छोड़ना पड़ेगा, भगवान का आदेश हुआ है। तो वो सोचने लगे क्या सच में आदेश था, आखिर था तो सपना ही ना, क्या सच था, क्या सच में मुझे जाना है। तो कुछ दिन वो इसके ऊपर विचार कर रहे थे कि कैसे फिर से वृंदावन को छोड़ के जाना पड़ेगा, बहुत पीड़ा में थे। इतनी देर में जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने जीवा गोस्वामी के भी सपने में आके बोल दिया कि अरे भाई अपने शिष्य को समझाओ, मैं बोल रहा हूँ उसको उत्कल जाना है पर वो देर लगा रहा है। तो जो जीवा गोस्वामी है वो श्यामानंद प्रभु को बुलाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ठीक नहीं है, अगर भगवान का कुछ आदेश है तो हमें तुरंत उस कार्य को करना चाहिए, देरी करना ठीक नहीं है। तो जो श्यामानंद प्रभु हैं, अब तो गुरु का भी आदेश हो गया, बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे, अब तो जाने जाना था। तो अपने तीन शिष्यों को लेकर, किशोर बालक श्यामदास और ठाकुर प्रसाद दास, इन तीनों को लेकर वो उत्कल के लिए रवाना हो जाते हैं। उत्कल जाते हुए रास्ते में पड़ता है आगरा। आगरा का शासक था मुगल। अब मुगलों को तो हम जानते हैं, हिंदू एक आंख नहीं भाते उनको, और वो भी साधु। तो जब उसको पता चलता है कि उनके राज्य से तीन साधु जा रहे हैं, चार साधु जा रहे हैं, असल में जो श्यामानंद प्रभु थे ना, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि श्यामानंद प्रभु का ओहदा इस वक्त बहुत बड़ा हो चुका था। वो कहीं जाते थे तो वहाँ पे हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, उनका नाम था। आज भी जैसे हम देखते हैं अगर कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है तो उसके आने से पहले उसकी खबर आ जाती है, आसपास लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो श्यामानंद प्रभु का ऐसा ओहदा हो चुका था। तो श्यामानंद प्रभु अगर आगरा से निकल रहे हैं, बड़ी बात है, आसपास के गाँव के लोगों तक खबर पहुँचती थी, सब लोग दर्शन के लिए आते थे, पाँव में गिरते थे, तो पता लगता था कि हाँ कोई बड़ा साधु जो है यहाँ से निकल रहा है। तो जो आगरा का शासक था, जब उसने देखा कि इस तरह से साधु निकल रहे हैं हमारे राज्य से, हाँ, तो उसने क्या करा, अपने सैनिकों को भेजकर श्यामानंद प्रभु और उनके तीनों जो एसोसिएट थे, चारों को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया और चारों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अच्छा, अब क्या होता है, रात को जब सो रहे होते हैं तो सपने में नरसिम्हदेव जी आते हैं, आखिरी गला पकड़ लेते हैं एकदम से, कहते हैं कि अभी का अभी उन चारों को रिहा नहीं किया, सब परिवार जो है खत्म कर दिए जाओगे, खत्म हो जाओगे, कोई बचेगा नहीं, ध्यान रखना इस बात को, तुम जानते नहीं हो कौन है वो। तो नरसिम्हदेव जी का इतना एकदम शेर जैसा चेहरा, एकदम गला पकड़ लिया और बिल्कुल बहुत बुरी तरह कांप गया, पूरे पसीने पसीने हो गया। तो जैसे उसकी नींद टूटी उसने देखा कि यहाँ पूरा गले पर निशान पड़ा हुआ है, जैसे किसी ने गले से पकड़ रखा। तो भागता उसी वक्त भागता हुआ जाता है, सैनिक पूछते हैं क्या हुआ महाराज, कुछ नहीं, खुद ही भागता हुआ जाता है, भागता भागता कारागार में जाता है, जल्दी से सबको रिहा करता है, उनका सम्मान करता है, उनसे माफ़ी मांगता है, चरणों में गिरता है, वो चरणों में गिरकर रो रो के कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं जानता नहीं था कि आप कौन है, आपकी महिमा क्या है, मैंने आपको साधारण समझ के आपके साथ आपका स्तर से अपमान किया, आपको कारागार में डाला, मुझे क्षमा कर दीजिए, अगर आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो आपके जो भगवान है ना नरसिम्हदेव, वो भी मुझे क्षमा नहीं करेंगे, आप कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तो जो श्यामानंद प्रभु हैं वो तो बेचारे इतने कृपालु थे ही, तो उनको क्षमा कर देते हैं। वो जाने लगते हैं तो पीछे से फिर से मुगल उनके पास आता है, कहते हैं एक कृपा और कर दीजिए, आप मुझे अपना लीजिए,
अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो ये देख के श्यामानंद प्रभु जो हैं उनसे कुछ देर बात करते हैं, उन्हें कुछ शिक्षा देते हैं, वैष्णव धर्म के बारे में बताते हैं, और बाद में वो जो मुगल शासक है उसको दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लेते हैं और फिर वहाँ से वो आगे निकलते हैं। अच्छा, श्यामानंद प्रभु जिस मार्ग से भी निकलते थे, वहाँ पे जो भी गांव पड़ता था, जो भी शहर पड़ता था, वहाँ के जो भी राजा महाराजा जमींदार जो भी बड़े बड़े लोग थे वो उनका स्वागत करते थे। आसपास के गांव के लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाया करते थे कि श्यामानंद प्रभु की एक झलक मिल जाए देखने को, उनके थोड़े से दर्शन हो जाएं। ना इस तरीके से करते करते श्यामानंद प्रभु जो है सबको आशीर्वाद देते हुए, सबको दर्शन देते हुए जो है घंटशाला करके एक जगह पहुँचते हैं। बंगाल के लिए निकले थे ना, तो रास्ते में घंटशाला एक जगह पड़ती है। तो घंटशाला के उस वक्त राजा थे, राजा वैकुंठनाथ जी। तो जब वैकुंठनाथ जी को पता चलता है कि श्यामानंद प्रभु जो हैं स्वयं उनके यहाँ पे पधारे हैं, तो नंगे पांव जो हैं वो श्यामानंद प्रभु जी की तरफ भागते हैं। भागते 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 श्यामानंद प्रभु जी के चरणों में अपना सर रख देते हैं, बोलते हैं कि हमारे अहो भाग्य, आज जो है इस गांव के सौभाग्य का सूर्य उदय हो चुका है कि आप जैसे महापुरुष जो हैं वो हमारे यहाँ पे पधारे हैं, कृपया करके हमको सेवा का मौका दीजिए। श्यामानंद प्रभु जी को बिठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रसाद पवाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया करके आप यहाँ थोड़े दिन रुकिए, कृपया करके आप यहाँ पे एक भागवत सप्ताह कीजिए। आप भागवत सप्ताह करेंगे तो ये मेरी प्रजा के सारे जितने भी जीव हैं उन सबका कल्याण हो जाएगा। श्यामानंद प्रभु जी उनकी बात को स्वीकार करते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़े भागवत सप्ताह का जो आयोजन होता है। और जब लोगों को पता लगता है कि श्यामानंद प्रभु स्वयं भागवत सप्ताह कर रहे हैं, आसपास के गांव के हजारों लाखों लोग वहाँ पे जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दुनिया भर के साधु संत जो हैं वहाँ पे पधारने लगते हैं कि श्यामानंद प्रभु जी की भागवत सप्ताह होने वाली है ना। और धीरे धीरे वहाँ बहुत बड़े एक उत्सव का जो है आयोजन होता है। खूब जो है जय जयकार चल रही है, दिव्य कीर्तन चल रहे हैं, भोज भंडारे चल रहे हैं। और वहाँ पे फिर श्यामानंद प्रभु जो हैं वो अपनी भगवत कथा जो है वो प्रारंभ करते हैं। अच्छा, इधर जो रसिक मुरारी जी हैं उनको भी भगवान ने सपने में आके कहा था कि जो श्यामानंद प्रभु हैं वही तुम्हारे गुरु होंगे और वो वृंदावन में विराजमान हैं, तो तुम वहाँ के लिए निकलो। तो वो वृंदावन के लिए निकल गए थे। अच्छा, वो भी रास्ते में जो है यहाँ पे घंटशाला में पहुँचते हैं। तो घंटशाला में पहुँच के देखते हैं, अरे यहाँ तो बहुत भीड़ लग रही है, बहुत उत्सव चल रहा है, बहुत जय जयकार चल रही है, लगता है यहाँ पे कुछ कोई बहुत बड़े महापुरुष पधारे हैं। तो किसी से पूछते हैं कि यहाँ पे इतना भीड़ क्यों लग रही है, कौन महापुरुष पधारे हैं? तो बोलते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं क्या कौन पधारे हैं? तुम जानते नहीं? अरे यहाँ पे स्वयं श्यामानंद प्रभु आए हुए हैं, उनकी भगवत कथा चल रही है। तो हैरान हो जाते हैं, क्या बात कर रहे हो, श्यामानंद प्रभु यहाँ पे आए हुए हैं? कहाँ है श्यामानंद प्रभु? वो बताते हैं कि वहाँ सामने देखो पंडाल में, वहाँ सामने विराजमान है, वो भगवत कथा कर रहे हैं। तो रसिक मुरारी एकदम भागे भागे जाते हैं और देखते हैं कि हजारों हजारों लाखों लोग बैठे हुए हैं, आगे खूब साधु संत बैठे हुए हैं और सबसे ऊंचे सिंहासन पर श्री श्री श्यामानंद प्रभु जो हैं वो मुकुटमणि के समान विराजमान हैं। वो दूर से उनके प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को अपनी आंखों के सामने देख के उनकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, बार बार उनको प्रणाम करते हैं। भगवत कथा चल रही थी इसलिए फिलहाल वो वहीं पर बैठ जाते हैं। जैसे ही भगवत कथा खत्म होती है दौड़ के जाते हैं, श्यामानंद प्रभु के चरणों में अपना सर रख देते हैं। श्यामानंद प्रभु उनको उठाते हैं, उठा के गले लगा लेते हैं। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये कौन है, वो देखते ही समझ जाते हैं कि और कोई नहीं मेरे रसिक मुरारी हैं। फिर वहाँ पर वो रसिक मुरारी जी को दीक्षा देते हैं। रसिक मुरारी का नाम हो जाता है रसिकानंद, और रसिक मुरारी की ही पत्नी थी इच्छा देवी, उनका नाम हो जाता है श्यामदासी। अच्छा, जो श्यामदासी हैं ये भी आगे चलकर बहुत प्रचार करती हैं। जैसे जानवा माता जी हमारी नित्यानंद प्रभु जी की जो सुपत्नी थी, इसी तरह जो ये श्यामदासी थी इन्होंने भी आगे जाके बहुत प्रचार किया था। इसके बाद श्यामानंद प्रभु जो हैं वो रसिकानंद जी के साथ मिलकर खूब तेजी से जो है प्रचार कार्य का जो काम है उसको आगे बढ़ाते हैं। गांव के गांव को एक साथ दीक्षा दे दिया करते थे। जहाँ भी श्यामानंद प्रभु जाते थे पूरा गांव इकट्ठा होता था, हजारों की संख्या में। सो ऐसा नहीं कि 200-400 लोग, पूरे पंडाल में बिठा के पूरे गांव की एक साथ जो है दीक्षा हो जाया करती थी। जब गांव वाले जो हैं वो श्यामानंद प्रभु जी के सुंदर मोहिनी चेहरे को देखा करते थे, उनके मुखारविंद से कृष्ण कथा का श्रवण करा करते थे, उनके पिछले सारे पाप धुल जाया करते थे, उनके जितने भी संचित कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म हैं, सब खत्म हो जाया करते थे, उनके कलेजे में, उनके हृदय में जितने भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनकी जो अग्नि धधक रही है वो शांत हो जाया करती थी। एकदम शांत चित्त होकर वैष्णव बनकर सबके सब जो हैं एक साथ उनसे दीक्षा ले लिया करते थे। यशाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि हम दृढ़ता के साथ भजन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले जन्मों के जो हमारे संचित पाप कर्म हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, वो बार बार हमको आकर रोकते हैं, जिसकी वजह से द्वंद स्वभाव रहता है हमारा, हम मोह में फंसे रहते हैं और हम दृढ़ता के साथ भजन नहीं कर पाते हैं।
लेकिन जब ऐसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है ऐसे महापुरुषों के दर्शन का, तो केवल दर्शन मात्र से हमारे जितने भी पाप कर्म हैं वो सब एक साथ खत्म हो जाते हैं और दृढ़ता से हम लोग जो है भजन में आगे बढ़ जाते हैं। यही हमने श्रील प्रभुपाद जी के साथ भी देखा है कि कितने बड़े बड़े हिप्पी थे, ऐसे लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं, सारे दुनिया के गलत काम करने का ठेका जिन्होंने उठा रखा था, ऐसे ऐसे लोग, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन करके, उनके मुंह से कथा सुनकर वो जो है बड़े बड़े वैष्णव बन गए थे। तो ये शॉर्टकट है, अगर किसी तरीके से ऐसे वैष्णव के दर्शन हो सके, किसी तरीके से ऐसे वैष्णवों से हमें श्रवण करने का मौका मिल सके, किसी तरीके से अगर ऐसा सौभाग्य हो जाए कि ऐसे वैष्णव की कोई छोटी से छोटी भी सेवा करने का मौका मिल जाए, तो समझ लेना कि आज बात बन गई है। जो काम में जन्मों जन्म लग जाने थे वो क्षण भर में हो जाएगा। जिन पाप को काटने के लिए ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते, कितने कर्म करने पड़ते, ना जाने उन कर्मों से और कितने पाप कर्म होते, तो जन्मों जन्मों का जो सफर था वो क्षण भर में पूरा हो जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसे दिव्य महापुरुष के दर्शनों का, उनकी सेवा का मौका जो है हमको नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से प्रचार करते करते वो आगे एक गाँव से निकलते हैं। वो विधर्मियों का गाँव था, मुगलों का, वहाँ के शासक का नाम था शेर खान पठान। तो उनसे ये सहन नहीं होता है। जब श्यामानंद प्रभु चला करते थे तो पीछे तो उनके हजारों की भीड़ चलनी शुरू हो गई थी। हाँ, लोग जो है कीर्तन गाते गाते उनके पीछे चला करते थे, तो उससे सहन नहीं होता है कि साधु लोग हम मेरे गांव से, हमारे यहाँ से निकल रहे हैं और इतना ये अपने भगवान का नाम ले रहे हैं, तो सहन नहीं कर पाता है। वो अपने सैनिकों को भेजता है, ठीक है, और उनको रोकने की कोशिश करता है कि यहाँ से तुम नहीं निकलोगे। उनके ऊपर कड़ लगाता है, छीने झपटी करता है, मारपीट करता है, और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि कुछ भक्तों को वहाँ पर मारा जाता है, उनकी मृदंग लेके मृदंग तक तोड़ दी जाती है। जब ये बात श्यामानंद प्रभु को पता चलती है तो उनको एकदम बहुत क्रोध आ जाता है। वो क्रोध में खूब तेज, बहुत तेज एकदम हुंकार बढ़ते हैं। जब वो हुंकार बढ़ते हैं, अचानक से वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। देखते ही देखते उनके सारे घर जो है धू धू करके जलने शुरू हो जाते हैं। वहाँ के लोगों के कपड़ों में, उनकी दाढ़ी मूछों तक में आग लगनी शुरू हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक से आग आई कैसे, कैसे अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन जो शेर खान पठान था वो समझ गया था, ये उसी की भूल का नतीजा है, उसकी बेवकूफ़ी का नतीजा है। वो भागता हुआ जाता है श्यामानंद प्रभु के पास, उनके चरणों में गिरता है, उनसे माफ़ी मांगता है। खाली उसको माफ़ी नहीं करते, उसको वैष्णव धर्म का भी प्रचार करते हैं। और जो शेर खान थोड़ी देर पहले जो भक्तों को पिटवा रहा था, उनकी मृदंग तोड़ रहा था, वो यहाँ पे फिर से श्यामानंद प्रभु जी के पास से दर्शन करने के कारण, उनसे सुनने के कारण वो वैष्णव बन चुका था, पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तो श्यामानंद प्रभु जी उसको आशीर्वाद देते हैं। देखते ही देखते अचानक से जो एकदम अग्नि प्रज्वलित हुई थी वो एकदम से शांत हो जाती है। और बाद में श्यामानंद प्रभु जो हैं उसको भी दीक्षा दे देते हैं। और इस जो शेर खान पठान था, इसका नाम हो जाता है चैतन्य दास। और उसके बाद जो पूरा गाँव था, जो मुगल था, जो विधर्मी जहाँ रहा करते थे, पूरे के पूरे गाँव वाले जब देखते हैं कि हमारे जो शेर खान पठान है उन्होंने दीक्षा ले ली है, वो भी आके श्यामानंद प्रभु जी से दीक्षा ले लेते हैं। आगे जाके श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु और जो उनकी मंडली थी, वो एक गांव से निकलती है जिस गांव का नाम था घटशिला। इस घटशिला का राजा था नवीन किशोर। जो ये नवीन किशोर था, ये अपनी कुल देवी की पूजा करा करता था। वैष्णवों के प्रति जो है उसके मन में कोई खास प्रेम नहीं था, बल्कि उनकी निंदा करा करता था। तो जब उसको पता चलता है कि श्यामानंद प्रभु और उनकी मंडली जो है उनके गाँव से निकल रही है, कोई खास उसने स्वागत नहीं किया, और उनके रहने की व्यवस्था भी ऐसी अपनी देवी के मंदिर में थोड़ी बहुत कर दी। वहाँ पे प्रसाद के लिए सामग्री देनी थी, तो वो भी उसने थोड़ी बहुत वहाँ सामग्री दी। और उसमें उसने क्या करा कि आलू की जगह जो है वहाँ पे कंकड़ भर के रख दिए, जानबूझकर उनका अपमान करने के लिए। तो रसिकानंद जी वो सारी व्यवस्था देख रहे थे प्रसाद की। तो जब रसिकानंद जी ने देखा कि पत्थर से भरे हुए वहाँ पे बोरियाँ रख दी गई हैं आलू की जगह, वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन पत्थरों को ही, जो बड़े बड़े बर्तन थे प्रसाद बनाने के, भोग बनाने के, उनके अंदर डाल दिए। और देखते ही देखते जो पत्थर थे वो उन्होंने आलू का रूप ले लिया, हाँ, और पूरी तरह से आलू बनके बढ़िया वहाँ पे जो है सब्जी तैयार हो गई। ये देख के सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। बल्कि जो जगह है घटशिला, इसका आज भी जो घटशिला, इसका नाम ही यहाँ से पड़े, घट का मतलब घोट देना, बना देना, शिला यानी कि पत्थर, पत्थर से जिसने घोट के सब्जी बना दी उसके ऊपर इस जगह का नाम पड़ गया था बाद में घटशिला। तो जब वहाँ पे ये चमत्कार देखा तो नवीन किशोर जो है बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। अच्छा, जिन कुल देवी की वो पूजा करा करते थे वो कुल देवी भी वहाँ पे जो है प्रकट हो जाती हैं, और वो बहुत क्रोध से तिल मिलाकर नवीन किशोर को उनकी मूर्खता के बारे में बताती हैं। उनको बताती हैं कि तुम नहीं जानते कौन है ये श्यामानंद प्रभु, जाओ इनकी शरण लो। तो श्यामानंद, तो जो नवीन किशोर है भागे भागे आते हैं, श्यामानंद प्रभु जी से माफ़ी मांगते हैं, उनकी शरण लेते हैं। तभी देखते देखते क्या होता है कि ये जो कुल देवी थी ये भी वहीं पे आ जाती हैं, और ये श्यामानंद प्रभु के चरण पकड़कर नवीन किशोर की तरफ से माफ़ी मांगती हैं, वो उनकी शरण लेती है। जब ये नवीन किशोर देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं।
मतलब उनकी कुल देवी जिनकी वो परंपराओं से उनके पूरे परदादा वगैरह उनकी पूरी परिवार में शुरू से जिनकी पूजा करते आए हैं वो स्वयं देवी जो है श्यामानंद प्रभु जी की शरण ले रही हैं। ये देख के जो नवीन किशोर है उसको समझ में आ जाता है कि कितनी बड़ी उससे जो है गलती हुई है, मूर्खता हुई है, कितना बड़ा उसने पाप किया है। फिर वो श्यामानंद प्रभु जी की पूरी तरह से शरण लेता है, वैष्णव धर्म को अपनाता है, श्यामानंद प्रभु उसको दीक्षा देते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। आगे जाकर श्यामानंद प्रभु जो है तमलुक नामक एक गांव से निकलते हैं। जो वहां का राजा था वो एक तांत्रिक के प्रभाव में था। असल में उस गांव में पहले महाप्रभु जी का एक मंदिर था और फिर वहां पे एक तांत्रिक आता है। तांत्रिक अपने चमत्कार दिखाकर वहां की प्रजा और वहां के राजा को अपने प्रभाव में ले लेता है, अपने बस में कर लेता है। और फिर वहां पे कुछ वैष्णव थे उनको ऐसा लगता है कि तांत्रिक जो है ये भगवान के विग्रहों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, इसलिए वहां से विग्रह को निकाल कर वो पास में मिर्जापुर एक गांव है वहां किसी ब्राह्मण के यहाँ पे छुपा देते थे। तो ये यहाँ की बैक स्टोरी है। तो जब श्यामानंद प्रभु यहाँ पर पहुंचते हैं वहां पे दुर्गा मंडप नाम की एक जगह रहती है। महाप्रभु ये अपने श्यामानंद प्रभु अपनी मंडली के साथ वहां बैठ के कीर्तन करते हैं। तो तांत्रिक जी का आदेश निकलता है कि इस मंडप पे ये लोग बैठे हैं ये अपवित्र हो गया है। वहां के राजा को आदेश देते हैं कि जाओ इस पूरे मंडप को तोड़वा दो और इसकी मिट्टी निकाल निकाल के बाहर फेंकवा दो। तो राजा के सैनिक आते हैं और वहां पे सब भक्तों को हटने के लिए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो उस मंडप को तोड़ते हैं और वहां से मिट्टी उतार के बाहर फेंकने लगते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं, अरे मंडप बिल्कुल वैसे का वैसे ही रह जाता है, मिट्टी कम ही नहीं होती। जैसे द्रौपदी की साड़ी का हमने सुना था कि जो दुशासन था वो खींचता रहा लेकिन साड़ी कम नहीं हुई, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से मिट्टी निकाल निकाल के थक गए लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे दुर्गा मंडप बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, उसमें एक इंच भर भी वहाँ पे मिट्टी कम नहीं हो रही थी। ये सोचकर जो वहाँ का राजा था जब उसने ये देखा तो फिर वो घबरा गया। उसने श्यामानंद प्रभु की अलौकिक घटनाओं के बारे में पहले सुना तो बहुत था लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था। अब उसने यहाँ पे उन सबका प्रभाव देखा, अपनी आंखों से देखा कि जो श्यामानंद प्रभु हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वो भागता हुआ जाता है और श्यामानंद प्रभु जी की शरण ले लेता है। श्यामानंद प्रभु जी उसको माफ़ करते हैं और बोलते हैं कि महाप्रभु की यहाँ पे जो पहले विग्रह हुआ करते थे, मंदिर हुआ करता था, उन विग्रहों को मिर्जापुर से दोबारा बुलवाओ। तो राजा उसी वक्त आदेश देता है, महाप्रभु के विग्रह जो वापस आते हैं। तांत्रिक समझ गया था कि भैया यहाँ पे अब मेरी दाल जो है नहीं गलेगी, यहाँ जो मेरा प्रभाव तो खत्म हो चुका है श्यामानंद प्रभु के आने के कारण, तो गांव छोड़ के भाग जाता है। श्यामानंद प्रभु जो है दोबारा से वहाँ पे एक मंदिर की व्यवस्था करते हैं, महाप्रभु के विग्रह के लिए एक अच्छा सा मंदिर बनवाते हैं, पूरे गाँव को दीक्षा देते हैं और पूरा गाँव वापस से जो है महाप्रभु के सिद्धांत में आकर वैष्णव धर्म जो है वो अपना लेता है। नरसिंहपुर के पास उस वक्त एक डाकू रहा करता था जिसका नाम था उदंड भुइया। उसका क्या काम था कि गौर मंडल से नीलाचल जाने वाला जो मार्ग था जहाँ से वैष्णव निकला करते थे तो वो उनके साथ लूट मार करा करता था। जो भी उनके पास सामान हुआ करता था उनको लूट लिया करता था, कई बार उनको घायल कर दिया करता था। तो एक बार जब श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे थे तो वो अपने आदमियों के साथ वहां पे आ जाता है। चारों तरफ से जो है जंगल का रास्ता था तो चारों तरफ से पेड़ों में छुप के जो है उसके आदमी देख रहे होते हैं, तो वहां से वो तीर चलाते हैं कि इनको घायल करेंगे, उसके बाद जो भी इनके पास है उनको लूट लेंगे। फिर वहां पे एक बहुत अलौकिक दिव्य घटना घटती है। जो तीर उन्होंने मारे थे वो तीर जाते हैं और श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु जी की परिक्रमा करके वापस आके उन्हीं को लगते हैं जिन्होंने वो तीर चलाए थे। ये देख के उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती कि ये क्या हुआ। देखते देखते जितने भी लोग उसके साथ थे, उसके जो भी गुंडे उसके साथ में आए थे, वो सब जो है बहुत घायल हो जाते हैं। ये देख के वो बहुत घबरा जाता है। वो जाके श्यामानंद प्रभु जी के चरणों में गिरता है, उनकी शरण लेता है। वो श्यामानंद प्रभु तो वो तो हैं बेचारे अदोष दर्शी, हाँ कृपा की मूर्ति। वो उसको माफ़ कर देते हैं, उसको वैष्णव धर्म की दीक्षा देकर उसको अपना लेते हैं और उससे बोलते हैं जितने भी आज तक तुमने लूट मार करी है, जितना भी तुमने लोगों से लूटा है, वो वापस ले जाकर सारे गाँव में जो है उससे बंटवा देते हैं। हम जानते हैं कि महाप्रभु जी ने जगन्नाथपुरी में 18 साल वास किया और जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे उस वक्त चारों तरफ जो है भक्ति की लहर थी। हर घर में जो है भजन कीर्तन हुआ करते थे, नगर संकीर्तन लगा हुआ करते थे, चारों तरफ जो है लोग जो है उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया था। लेकिन महाप्रभु जी के जाने के केवल 40-50 साल के अंदर अंदर वहाँ पे स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी और इसका बहुत बड़ा कारण था कि वहाँ पे मुगलों ने, खासकर जो वहाँ पे पठान थे, उनका वहाँ पे शासन हो गया था। इवन जो जगन्नाथ मंदिर था उसको भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और हिंदू जो रीति रिवाज हैं, हिंदुओं के जो भी भजन कीर्तन होते हैं, कथाएं होते हैं, वो पूरी तरह से वहाँ पे रोक दी गई थी, उनकी अनुमति वहाँ पे नहीं थी। और धीरे धीरे देखते देखते लोगों के अंदर एकदम से जो आध्यात्मिक रूप से है बहुत कमजोरी आ गई थी। महाप्रभु जी के जो मुख्य शिष्य हैं गोस्वामीज, वो उस वक्त सारे वृंदावन में थे और बंगाल में भी काफ़ी एक्चुअली जो महाप्रभु जी के शिष्य हैं सेकेंड और थर्ड जनरेशन के वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। जैसे कि वहाँ पे एक गोपाल गुरु गोस्वामी जी थे, उन्होंने बहुत प्रचार किया है। ध्यानचंद थे, पंच शाखा भक्त थे, पांच ऐसे भक्त थे, अनंत, अच्युत,
यशोवंता, बलराम, जगन्नाथ, ये लोग भी काफ़ी प्रचार कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक रूप से, क्योंकि उनको बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, सपोर्ट की तो खैर बहुत दूर की बात थी, उनके हर एक प्रचार कार्य में वहाँ पे रोड़े अटकाए जा रहे थे, रोका जा रहा था, नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए प्रचार कार्य बहुत मुश्किल हो गया। धीरे धीरे लोग जो हैं वो आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर होते चले गए। जो भक्ति में लहर चैतन्य महाप्रभु के समय में जगन्नाथपुरी में आई थी वो लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो जो जगन्नाथपुरी में था, अब हमको वहाँ पे एक ऐसे दो लीडर्स की आवश्यकता थी, ऐसे एक तो आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता थी, लेकिन आध्यात्मिक गुरु से भी पहले वहाँ पे एक राजनीतिक रूप से एक क्षत्रिय की जरूरत थी, जो इन पठानों को वहाँ से खदेड़ कर दोबारा से ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पे दोबारा से लोगों को भक्ति के रास्ते पर लाया जाए। और ऐसे समय पर वहाँ पर आते हैं राजा मान सिंह जी। राजा मान सिंह जी जो थे, उन्होंने जो अकबर था उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, और उसके बाद जो पठान थे इनको वहाँ से खदेड़ने का काम करते हैं। उस वक्त वहाँ पे जो स्वर्ण रेखा नदी थी उसके पास एक बहुत भयंकर युद्ध होता है। जो राजा मान सिंह थे वो स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं, और जितने भी पठान थे इनको मार मार कर खदेड़ कर उड़ीसा से बाहर निकाल देते हैं। और उसी वक्त वहाँ पे जो है श्यामानंद प्रभु जी पधारते हैं, जो दोबारा से वहाँ पे फिर लोगों के अंदर भक्ति का संचालन करते हैं, वहाँ पे दोबारा से कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, नरगर संकीर्तन निकलता है, और दोबारा से करते करते धीरे 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 भक्ति की जो लहर चैतन्य महाप्रभु के समय में चली थी, जो ठंडी पड़ गई थी, वो दोबारा से प्रज्वलित होने लगती है। दोबारा से पूरा जो जगन्नाथपुरी है वो भक्ति में हो जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर को भी जो राजा मान सिंह है ये अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और दोबारा से हिंदुओं के जो रीति रिवाज हैं, जो कथा कीर्तन है, वो सब दोबारा से पूरी तरीके से प्रारंभ हो जाते हैं। तो राजा मान सिंह जी का और श्यामानंद प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान था जगन्नाथपुरी में भक्ति को दोबारा से स्थापित करने में। एक बार श्यामानंद प्रभु जी जो हैं वो रसिकानंद प्रभु जी और अपने कुछ शिष्यों के साथ रेमुना जाते हैं, खीरचोर गोपीनाथ। खीरचोर गोपीनाथ का नाम आपने शायद पहले सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिटेल, बहुत विशेष हैं। खीरचोर गोपीनाथ के जो विग्रह हैं वो भगवान राम ने त्रेता युग में बनाए थे। इसकी लंबी कथा है, मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो एक बार माता सीता ने भगवान राम से पूछा कि आपका द्वापर युग में जो अवतार होगा वो कैसा होगा, मैंने सुना है कि वो बहुत सुंदर होगा, उसमें आप कैसे दिखोगे। तो भगवान राम माता सीता को एक गिफ्ट देने का विचार करते हैं, उसमें वो अपने त्रिभंग रूप यानी कि श्याम सुंदर रूप, गोपीनाथ का जो रूप है जो द्वापर युग का है, वो उसको उनको देने पर विचार करते हैं। तो वो अपने तीर से एक पत्थर को तराशना शुरू करते हैं विग्रह के रूप में, और रोज जो है वो झाड़ी में उन विग्रहों को छुपाकर अपना स्नान करने चले जाया करते थे। उनका था कि जब पूरा हो जाएगा तब मैं सीता माता को जो है भेंट करूंगा। एक दिन सीता माता जी सोचती हैं कि ये रोज क्या करते रहते हैं बैठ के, हाँ, और इस झाड़ी में क्या छुपा रखा है। तो जब वो स्नान करने के लिए गए थे तो सीता माता जी पीछे से जाती है, झाड़ी को हटाती है, और वहां से बहुत सुंदर जो है भगवान का त्रिभंग रूप में श्याम सुंदर गोपीनाथ जी के रूप में विग्रह को पाती हैं। अच्छा, विग्रह तब तक पूरे भी नहीं हुए थे, उनके हाथ और कुछ जो विग्रह के जो कुछ फीचर्स थे वो पूरी तरह से बने नहीं थे, उस वक्त इनकम्प्लीट थे जो विग्रह थे, पूरी तरह से उनका निर्माण नहीं हुआ था। तो भी सीता देवी उनको अपनी कुटिया में ले जाती हैं, ये बातें चित्रकूट की, और वहाँ ले जाकर उनको भोग वगैरह लगाती हैं। और जब भगवान राम लौट के आते हैं कहते हैं, अरे ये क्या, मैं सोचा था तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, ये तो मेरी तुमने बात ही खराब कर दी, और ये विग्रह तो अभी पूरे भी नहीं हुए। तो भगवान राम जी जो हैं वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं इन विग्रहों को पूरा करता हूँ। तो वो अपने तीर से उन विग्रहों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि माता सीता उनको भोग लगा चुकी थी, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होती है, और जैसे ही वो उनको दोबारा से खुरचने का प्रयास करते हैं उसके अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है विग्रहों के अंदर से, तो भगवान राम उनको वहीं पर रोक देते हैं। ये बात है त्रेता युग की, भगवान श्री राम की। उसके बाद में एक कटक के जो राजा थे वो इन विग्रहों को लेकर रेमुना आ जाते हैं, और यहाँ पर उनका बहुत बड़ा मंदिर बना के यहाँ पे उनकी स्थापना कर देते हैं। ये शॉर्ट में स्टोरी है, जब हम कभी माधवेंद्रपुरी की कथा सुनेंगे तब इस स्टोरी को हम पूरा विस्तार से सुनेंगे। तो यहाँ पे जो ये खीरचोर गोपीनाथ है रेमुना में होते हैं, और श्यामानंद प्रभु जी यहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं तो क्या, मंदिर में विग्रह ही नहीं है, विग्रह कहाँ गए किसी को पता ही नहीं। तो बहुत घबरा जाते हैं, अरे गोपीनाथ जी के विग्रह कहाँ चले गए, ये तो बहुत प्रमुख विग्रह हैं हमारी परंपरा में, माधवेंद्रपुरी यहाँ पे रहे हैं, उनकी समाधि है पास में, विग्रह कहाँ जा सकते हैं। तो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, अन्न जल को त्याग देते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं, और तब जो है खीरचोर गोपीनाथ जी उनको दर्शन देते हैं। वो कहते हैं, अरे श्याम सुंदर जी मैं क्या बताऊं, ये आसपास के गांव वाले लोग ना, ये मुझे ले जाते हैं इन दिनों पास में एक जगह है हट नामक, वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ चंडी के रूप में मेरी पूजा शुरू कर देते हैं। हाँ, एक काम करो आप यहाँ पर आओ और मुझे ले जाओ यहाँ से। तो श्यामानंद प्रभु जी जो है अपनी समाधि से बाहर आते हैं और वो पता लगाते हैं कि हट नामक जगह कहाँ है, और भागते हुए वहाँ पर जाते हैं।
वो जाके क्या देखते हैं, लोग जो हैं वो गोपीनाथ जी के विग्रह को चंडी का रूप समझ रहे हैं और उनके ऊपर हल्दी रोली और कुमकुम और क्या क्या उनको पूरा लगा रखा था, उनको पूरा ढक रखा था विग्रह को इन चीज़ों से, और उनकी चंडी के रूप में वहाँ पूजा चल रही थी। कुछ कुछ अपने जो उनके रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, वहाँ पे वो कर रहे थे। तो जब श्यामानंद प्रभु पहुँचते हैं वहाँ पे, तो वो देखते हैं कि क्या चल रहा है। वो अभी एकदम जो है वहाँ पे आदेश देते हैं कि इन विग्रहों को यहाँ से हटाया जाए। गाँव वालों को साइड में करके विग्रहों को हटाया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है, उनका अभिषेक कराया जाता है, और दोबारा से त्रिभंग रूप में जो सुंदर गोपीनाथ जी हैं वो हमारे प्रकट होते हैं और उनको मंदिर में ले जाके उनको विराजमान किया जाता है और उनको स्थापित किया जाता है। एक बार श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु जी को जगन्नाथ रथ यात्रा में पहुंचने के लिए विलंब हो जाता है। वो अन्य सेवाओं में जो है व्यस्त होते हैं, जिस कारण वो समय से नहीं निकल पाते। तो वो उस वक्त साक्षी गोपाल में होते हैं, जब उनको पता लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा विलंब हो चुका है, देर हो चुकी है। वो वहाँ से बहुत हवा की तेज़ी से भागना शुरू करते हैं जगन्नाथपुरी की तरफ। अच्छा, इधर जो है जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो प्रारंभ हो जाती है। बलदेव जी और सुभद्रा जी का जो रथ है वो तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ है वो वहीं पे एकदम अचल, एकदम अटल होकर वहीं पे जो है खड़ा हो जाता है, आगे नहीं बढ़ रहा है। जगन्नाथ जी बलराम जी और सुभद्रा जी वो तो पहुँच जाते हैं गुंडीचा मंदिर, और जगन्नाथ जी का रथ जो है वो वहीं शुरू में खड़ा रहता है। अब सब लोग हैरान परेशान, सब अपने लोग पूरी अपनी ताकत लगाते हैं, अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं। अब बड़े बड़े पहलवान बुलाए जाते हैं, यहाँ तक कि हाथियों को बुलाया जाता है। सब लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर थक कर हार कर वहाँ पर बैठ जाते हैं। रथ जो है एक इंच भी आगे नहीं बढ़ता है। अब जो वहाँ के महाराज हैं वो बहुत चिंतित हो जाते हैं कि भाई रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या करें। हाँ, तो उस दिन रात को जब महाराज जी सो रहे होते हैं, उनके सपने में जो है जगन्नाथ जी आते हैं और वो बताते हैं कि मेरे दो प्रिय भक्त श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु वो मेरे से मिलने आ रहे हैं और वो अभी तक पहुँचे नहीं है, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, जब तक वो नहीं आएंगे मैं कदम आगे नहीं बढ़ाऊँगा। तो अगले दिन सुबह राजा उठते हैं और पूछते हैं, अरे भाई श्यामानंद प्रभु जी आ रहे हैं यहाँ पे, जल्दी से वहाँ सेवकों को भेजते हैं कि जल्दी से देखो कहाँ तक पहुँचे। हाँ, सेवक भी भागना शुरू करते हैं और रास्ते में जाके वो उनको बताते हैं श्यामानंद प्रभु जी को कि अरे आपके लिए वहाँ पे रथ रुका हुआ है, जगन्नाथ जी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया है। जब श्यामानंद प्रभु जी को पता चलता है कि स्वयं जगन्नाथ जी उनका इंतजार कर रहे हैं, आंखों में आंसू लिए, दोनों हाथ ऊपर बढ़ाए, बिल्कुल हवा की तेजी से पागलों की तरह जो जल्दी जल्दी वो जगन्नाथपुरी की तरफ भागते हैं। वो जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं, सामने जगन्नाथ जी को देखते हैं, वहीं पे उनके आगे पड़ जाते हैं, यहाँ पे उठकर जगन्नाथ जी की परिक्रमा करते हैं और पागलों की तरह पैरों में घुंघरू बांधकर उनके सामने जो है दोनों हाथ ऊपर उठा कर नाचना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता था जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, उनकी आँखों से आंसू निकल रहे थे। हाँ, और रसिकानंद जी भी परिक्रमा लगाकर श्यामानंद प्रभु जी के साथ साथ नाच रहे थे। तब वहाँ पे श्यामानंद प्रभु जी जो हैं वो रसिकानंद प्रभु जी को इशारा करते हैं, रसिकानंद प्रभु जी जगन्नाथ रथ के पीछे जाते हैं और अपना सर उस पर लगाते हैं। जैसे ही सर उस पर जगन्नाथ जी के रथ पर नंदी घोष पर लगाते हैं, इमीडिएट वह तभी वहाँ अचानक से जो रथ है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और ये देख के सब लोग जो है वहाँ पे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु जी की भी वहाँ पे जय जयकार हो जाती है। एक बार श्यामानंद प्रभु जी स्वर्ण रेखा नदी के पास राजघाट से निकल रहे होते हैं और वहाँ पे एक मायावादी सन्यासी होता है जो इनको देखकर इनकी निंदा करता है, उपहास करता है, मजाक उड़ाने का प्रयास करता है। अब बोलता है इन सबको कि अरे देखो कैसे ढोंगी वैष्णव जा रहे हैं, सब भार भार के वैष्णव हैं, सब दिखावे के हैं, बहुत देखे हमने ऐसे वैष्णव, तुम्हारे जैसे ढोंगी बहुत फिरते हैं यहाँ पे। तो जो श्यामानंद प्रभु हैं वो कुछ नहीं कहते, वो उनकी तरफ देखते हैं, थोड़ा मुस्कराते हैं और आगे निकल जाते हैं। वहीं पर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे वो लोग रुकते हैं कि हम नदी में स्नान करेंगे। तभी वहाँ पे अचानक से एक मगरमच्छ आ जाता है। तो जैसे ही मगरमच्छ आता है आसपास सब लोग घबरा जाते हैं, कितने सारे शिष्य तो फटाफट वहाँ से भाग के दूर खड़े हो जाते हैं। श्यामानंद प्रभु वहीं खड़े होकर बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, बहुत दया भाव से उस मगरमच्छ की तरफ देखते हैं। मगरमच्छ जो है वो श्यामानंद प्रभु के पास में आता है, आके उनके चरणों पर अपना सर रख देता है, उसके बाद वो उनकी परिक्रमा करता है और दोबारा से वहीं चरणों पर बैठ जाता है। श्यामानंद प्रभु नीचे बैठते हैं, उसके ऊपर बहुत प्रेम से हाथ फेरते हैं, उसको बताते हैं कि तुम भी कृष्ण भक्त हो, कुछ कुकर्मों के कारण तुमको यह योनि प्राप्त हुई है, लेकिन अभी भी अगर तुम कृष्ण का स्मरण करो तो तुम वापस कृष्ण धाम लौट सकते हो। उसके बाद वो उस मगरमच्छ के कान में हरि नाम की दीक्षा देते हैं। ये आश्चर्य से आसपास उनके सारे शिष्य और वो सन्यासी वो भी देख रहा होता है, आंखें फटी होती है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ, तो मगरमच्छ की दीक्षा हो जाती है, उसके बाद मगरमच्छ फिर से उनके चरणों में प्रणाम करता है, फिर से परिक्रमा करता है, फिर से उनके चरणों में प्रणाम करता है और वापस जो है वो नदी में लौट जाता है। ये सब देख के उस सन्यासी को जो है उसकी आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। हाँ, वो दौड़ा दौड़ा आता है, उनके श्यामानंद प्रभु जी के चरणों में गिरता है, उनसे माफ़ी मांगता है, उनसे शरण लेता है,
और श्यामानंद प्रभु जी भी उसके ऊपर बहुत दया करके, बहुत कृपा करके उसको क्षमा कर देते हैं और उसको भी दीक्षा दे देते हैं, और दीक्षा के बाद उसका नाम बन जाता है श्री शंकर दास। एक बार श्यामानंद प्रभु जो हैं वो भोगरई नामक एक स्थान से निकल रहे होते हैं। वहाँ पे चार तांत्रिक होते हैं जो अपनी कुल देवी वसूली देवी की वहाँ पे पूजा करा करते थे, बहुत तामसिक रूप से, मतलब देवी के सामने बलि देना, उनको मदिरा का मांस का जो है भोग लगाना, इस प्रकार बहुत तामसिक रूप से उनकी पूजा करा करते थे। तो जब वहाँ पे श्यामानंद प्रभु अपने शिष्यों के पास साथ पहुँचते हैं तो वो तांत्रिक जो है श्यामानंद प्रभु का भी उपहास उड़ाना शुरू कर देते हैं, उनको कटु वचन कहना शुरू कर देते हैं, उनकी निंदा शुरू कर देते हैं। श्यामानंद प्रभु कुछ नहीं कहते और अपने शिष्यों के साथ बहुत बढ़िया जो है वहाँ पे कीर्तन जो है प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, वो कीर्तन में भी अलग अलग तरीके से रुकावट और बाधाएं पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब रात को कीर्तन चल रहा है और वो किसी न किसी तरह से बाधाएं पहुंचा रहे होते हैं, वहाँ पे मांस फेंक रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो ये देखकर वसूली देवी जो है वो उनको बहुत क्रोध आ जाता है और वो स्वयं विग्रह से प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होकर अपने चारों तांत्रिकों को पकड़कर जो है बहुत गुस्से से उनको बोलती हैं कि अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम सबका यहीं पर विनाश कर दूंगी, तुमने वैष्णव का अपमान किया है, तुमने वैष्णव के प्रति जो अपराध किया है। ये देख के वो चारों जो है दंग रह जाते हैं। जिन वसूली देवी के वो पूरे जीवन भर से जो है पूजा कर रहे थे, भोग लगा रहे थे, तब उन्होंने दर्शन नहीं दिए, लेकिन आज ये वैष्णव अपराध के कारण स्वयं वसूली देवी जो है प्रकट होकर उनको न कहीं दर्शन दे रही थी बल्कि गुस्से में दंड देने जा रही थी। ये सोच के वो जो चारों तांत्रिक हैं वो बहुत घबरा जाते हैं। वो वसूली देवी जी से माफ़ी मांगते हैं, उसके बाद वो भाग के जाते हैं, श्यामानंद प्रभु जी के चरणों में पड़ जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, और करुणा के सागर जो हमारे श्यामानंद प्रभु जी हैं फिर से इन सबको अपना लेते हैं, वैष्णव धर्म की शिक्षा देते हैं। और श्यामानंद प्रभु के ही एक शिष्य थे आनंदानंद, आनंदानंद से कहकर उन चारों को जो है दीक्षा दिलवाते हैं, मतलब आनंदानंद उन चारों को दीक्षा देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो वसूली देवी हैं वो स्वयं जो हैं श्यामानंद प्रभु के पास आती हैं, पास आकर उनके चरण दबाती हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हैं, तो श्यामानंद प्रभु जी क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं कि आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, आप ये क्या कर रही हैं, हाँ आपके जो तांत्रिक हैं वो आपको बलि दे रहे हैं, आपको मदिरा दे रहे हैं, आप मांस भक्षण कर रही हैं, हाँ ये कहाँ तक सही है। तो जो वसूली देवी हैं उनको भी अपनी गलती का एहसास होता है, वो उनसे माफ़ी मांगती हैं, और जो श्यामानंद प्रभु हैं वो वसूली देवी जी को माफ़ करकर अपने शिष्य आनंदानंद के द्वारा उनको भी दीक्षा दिलवा देते हैं। तो जो देवी हैं और जो चारों तांत्रिक हैं वो सब श्यामानंद प्रभु जी के यहाँ पे दीक्षित होकर वैष्णव धर्म को अपना लेते हैं। इस तरीके से श्यामानंद प्रभु जी जो भी प्रचार कार्य कर रहे थे उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी जो सूचना है, वो अपने गुरु हृदय चैतन्य जी के पास भिजवाया करते थे कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये प्रचार कार्य चल रहा है, ये प्रचार कार्य के लिए प्रयास जो है वो जारी हैं। तो एक बार जो हृदय चैतन्य थे उनकी इच्छा हुई वो भी जाके जरा अपने शिष्य से मिलें, उनका शिष्य जो है क्या धुआंधार चारों तरफ प्रचार कर रहा है, तो अपने शिष्य से मिलने के लिए धरिंदा स्वयं आते हैं। तो जब श्यामानंद पंडित को, श्यामानंद प्रभु जी को पता लगता है कि उनके गुरु महाराज आ रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, हाँ वो भाग के जो है अपने गुरु जी को जो है उनका स्वागत करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, उनको बहुत प्रेम से बिठाते हैं, उनके पांव दबाते हैं, उनको प्रसाद पवाते हैं, और उसके बाद वो उनके जो विशेष शिष्य थे, एक तो रसिकानंद प्रभु जी थे, एक दामोदर करके भी उनके बहुत विशेष, बहुत प्रमुख शिष्य थे, तो इन दोनों को भी वो हृदय चैतन्य से मिलवाते हैं। और उसके बाद इन चारों की जो मंडली बैठती है, दिनों दिनों तक भगवत जो है चर्चा होती है। भगवत गीता के 10.9 में भगवान श्री कृष्ण एक बड़ा अच्छा श्लोक बोलते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यं तुषन्ति च रमन्ति च, जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे बारे में कथा करके तुषन्ति च रमन्ति च, वो आनंद में लोटपोट होते हैं, समय का पता नहीं रहता है, भूख प्यास का पता नहीं रहता है। बिल्कुल इसी तरह इन चारों ने कई कई दिनों, हफ्तों तक वहाँ बैठ के भगवत चर्चा करी, और जो हृदय चैतन्य थे बहुत खुश होकर, बहुत आनंद से वो वापस कालाना जो है लौट जाते हैं। इसी तरीके से प्रचार कार्य चलता रहता है। फिर एक दिन श्यामानंद प्रभु जी को खबर मिलती है कि जो उनके गुरु हैं हृदय चैतन्य जी, वो अंतर्ध्यान हो गए हैं। ये खबर जब श्यामानंद प्रभु को मिलती है तो बिजली की तरह उनके ऊपर आकर पड़ती है, हाँ वो सहन नहीं कर पाते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब उनको होश आता है तो वो बहुत बिलक बिलक कर रोते हैं, अपने गुरु का विरह जो है वो उनसे सहन नहीं हो रहा होता है। और तभी उनको एक और खबर मिलती है कि जो उनके सबसे प्रिय शिष्य हैं दामोदर प्रभु, वो भी अपना शरीर त्याग चुके हैं। ये सुनकर तो बिल्कुल पूरी तरीके से जो श्यामानंद प्रभु हैं वो टूट जाते हैं। उनके गुरु, उनके प्रिय शिष्य दोनों उनका साथ छोड़कर चले गए थे, हाँ वो सहन नहीं कर पाते हैं, कई दिनों तक बीमार रहते हैं, और अंत में वो निश्चय करते हैं कि वो भी अपनी लीला जो है वो यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो अभी तक श्यामानंद प्रभु जी ने जो इतना चारों दिशाओं में जो प्रचार किया था, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा जमींदार उनके शिष्य थे, राजा महाराजाओं ने बहुत जमीन, बहुत संपत्ति, बहुत कुछ उनको दान किया था,
3,500 से ज्यादा मंदिरों और मठों की स्थापना हो चुकी थी। चारों तरफ जो है प्रचार कार्य खूब तेजी से चल रहा था। हाँ, आप लगाइए कि लगभग पूरा उड़ीसा और बंगाल उस वक्त जो था श्यामानंद प्रभु जी का शिष्य बन चुका था। आप सोचिए कि कितने लाखों की संख्या में लोग शिष्य थे। तो बहुत संपत्ति थी, बहुत बड़ा जो था प्रचार कार्य वहाँ पे चल रहा था। तो वो अपने सबसे प्रिय शिष्य रसिकानंद जी को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं और इसके लिए वो एक बड़ी बड़ी महासभा का आयोजन करते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ वैष्णव जो हैं वो आकर पधारते हैं। हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग आते हैं और उन सब के बीच में वो रसिकानंद जी को गद्दी पर बिठाकर उनका अभिषेक करते हैं, उनको तिलक करते हैं और उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। और वो वहाँ पर ये ऐलान करते हैं कि जो भी रसिकानंद जी का विरोध करेगा वो उसको स्वयं अपना विरोध मानेंगे। तो उनके बाद जो रसिकानंद जी हैं उसके बाद वो उस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और एक दिन इसी तरीके से श्यामानंद प्रभु जी जो हैं वो वापस अपना ये भौतिक शरीर त्याग कर अपने नित्य दिव्य कनक मंजरी के रूप में राधा कृष्ण की लीलाओं में श्री ललिता जी की शरण में जाकर राधा रानी की सेवा में पुनः लौट जाते हैं। प्रचार कार्य में व्यस्त होने के कारण जो श्यामानंद प्रभु हैं वो स्वयं तो बहुत ज़्यादा किताबें नहीं लिख पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी और उनकी बहुत फेमस बुक है अप्रकाशित पद्मावली, जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण के मिलन के बारे में बताया है। और कुछ किताबें जो हैं जो उनके द्वारा लिखी गई थी वो लुप्त हो चुकी हैं, कुछ जो हैं वो अभी भी बंगाली में हैं, उनका अनुवाद नहीं हुआ है। श्यामानंद प्रभु जी के ही जो प्रमुख शिष्य थे रसिकानंद प्रभु, वो एक किताब लिखते हैं श्यामानंद प्रकाश। इस किताब में मुख्य रूप से वो जो श्यामानंद प्रभु हैं उनके पूरे जीवन चरित्र के ऊपर जो है बताते हैं। तो रसिकानंद जी आगे जाकर प्रचार करते हैं और रसिकानंद जी भी आगे जाकर जो खीरचोर गोपीनाथ के विग्रह हैं सशरीर वो उसमें समा गए थे। ये जो रसिकानंद जी का जीवन चरित्र के ऊपर जो मैंने बताया कि एक वीडियो रिलीज की थी उसमें आप सुनिएगा, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है रसिकानंद जी की, फर्स्ट कमेंट में मैं उसका लिंक दूंगा। तो वो भी सशरीर खीरचोर गोपीनाथ के विग्रह में समा गए थे और रसिकानंद जी के पुत्र थे नयानंद प्रभु। आगे जाके फिर नयानंद प्रभु जो है वो प्रचार कार्य को संभालते हैं। नयानंद प्रभु ने भी बहुत ज़बरदस्त जो है उस वक्त प्रचार किया था। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो मैं श्यामानंद प्रभु जी से जुड़े कुछ मुख्य स्थलों के यहाँ पर दर्शन कराना चाहता हूँ। सबसे पहले ये समाधि मंदिर है श्यामानंद प्रभु जी का, जो कि श्री वृंदावन धाम में है। उसके बाद ये नुपुर प्राप्ति स्थल है, ये वही स्थल है जहाँ पे श्यामानंद प्रभु जी को श्रीमती राधा रानी जी का वो दिव्य नुपुर मिला था। उसके बाद वो पूरी नुपुर लीला हुई थी जो हमने सुनी है। उसके बाद आप दर्शन कर रहे हैं इस वक्त श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी का। ये जो श्याम सुंदर जी के विग्रह हैं ये वही विग्रह हैं जो राधा रानी ने स्वयं अपने हृदय से प्रकट कर श्यामानंद प्रभु जी के हाथ में दिए थे। हाँ, ये महारास का मूर्ति स्वरूप बताए जाते हैं। और ये जो राधा रानी हैं ये स्वयं प्रकट हुई थी भरतपुर के महाराज के यहाँ पर। हाँ, जो श्याम सुंदर हैं उन्होंने श्यामानंद जी के सपने में आकर बोला था कि इन राधा रानी को यहाँ वृंदावन में बुलाकर इनकी मेरे साथ स्थापना करो। तो ये वही दोनों राधा श्याम सुंदर हैं। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इस पेड़ के नीचे ही श्यामानंद प्रभु जी का जन्म हुआ था, यहाँ पे वो अवतरित हुए थे धरिंदा में। और ये समाधि आप देख रहे हैं श्यामानंद प्रभु जी की माता जी की, धुरिंदा देवी जी की। गौड़ीय वैष्णव किताबों में हमें संकेत मिलते हैं कि जो श्रीनिवास आचार्य थे वो महाप्रभु जी के भाववेश अवतार थे। जो नरोत्तम दास ठाकुर जी थे वो नित्यानंद प्रभु जी के भाववेश अवतार थे और जो श्यामानंद प्रभु जी हैं वो अद्वैता आचार्य के भाववेश अवतार थे। हाँ, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। ये सब जो हैं श्रीमती राधा रानी की सखियां हैं, उनकी परिकर हैं, निजी परिकर हैं, ये मंजरियां हैं। हाँ, ये केवल धरती पर जन कल्याण के लिए आती हैं। केवल राधा रानी का जन कल्याण के प्रति जो उनके मन में जो करुणा भाव है, यहाँ पे जो जीव हैं जो कली ताप से तड़प रहे हैं, तो इन जीवों की हालत देखकर राधा रानी के हृदय में जो करुणा उत्पन्न होती है, तो उनके आदेश से उनकी इच्छा से ये जो है धरती पर अवतरित होते हैं और यहाँ पे अपनी लीला कर वापस श्री राधा कृष्ण के नित्य लीलाओं में वापस लौट जाते हैं। तो इनकी जो दिव्य लीलाएँ हैं वो हमारे जैसे जो जड़ बुद्धि हैं उनसे समझ पाना, उनको बोल पाना ये संभव नहीं है। किंचित मात्र भी ऐसी योग्यता नहीं है कि ऐसे दिव्य महापुरुषों के विषय में कुछ भी बोला जाए। उसके बावजूद अपनी टूटी फूटी भाषा में हजारों लाखों अनगिनत गलतियां करके जैसे तैसे उनका गुणगान करने का प्रयास किया है, केवल इसी भाव से कि उनका केवल नाम लेने से
उनका केवल स्मरण करने से जो हमारे भी अनंत जन्मों के अनंत पाप हैं, काश वो जो है राधा रानी उनको माफ़ कर सके और किसी तरह से हमें भी अपनी सेवा में ले सके। केवल एकमात्र इसी उद्देश्य से इस प्रयास को किया गया। तो जो भी मेरी त्रुटियाँ रही होंगी हजारों लाखों, आप वैष्णव भाव से उन सबको क्षमा कीजिएगा और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि मैं आगे भी इसी तरह से जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं उनका आगे भी गुणगान करने का प्रयास कर सकूं। श्री श्री श्यामानंद प्रभु की जय, रसिकानंद प्रभु जी की जय, हृदय चैतन्य की जय, जीवा गोस्वामी की जय, सभी भक्तगणों की जय हो, हमारे सभी वैष्णव आचार्यों की जय हो, श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा।